गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे मित्रों और विद्यार्थियों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। जैसा कि हम जनरल साइंस के दौरान जो टॉपिक पढ़ रहे थे, हमारा परिसंचरण तंत्र, उसमें हमने पहला पार्ट हृदय पूरा पढ़ा है। परिसंचरण तंत्र का पहला पार्ट पढ़ा है हृदय, उसका सेकेंड पार्ट आज हम पढ़ेंगे, वो है हमारा रक्त। तो रक्त पढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन कर रहा हूँ। यदि आप मेरे YouTube पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक करें, और आपका सहयोग इतना ही मुझे चाहिए कि आप मेरे इस वीडियो के लिंक को अपने सभी WhatsApp ग्रुप, Facebook, Instagram सभी पर जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जुड़ सके। विद्यार्थियों और मेरे प्यारे मित्रों, जो जनरल साइंस में पढ़ाने जा रहा हूँ, उस जनरल साइंस का महत्व तो न कि स्कूली शिक्षा में है, बल्कि हम किसी प्रकार का कंपटीशन एग्जाम देते हैं जिसमें दैनिक विज्ञान नाम का टॉपिक लिखा होता है। तो दैनिक विज्ञान के दौरान जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसी जनरल साइंस से बनेंगे। तो ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ स्कूली परीक्षाओं में भी काम आती है। तो आज हम हमारा टॉपिक शुरू कर रहे हैं, वो है हमारा टॉपिक रक्त। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आज हमारा टॉपिक रक्त या ब्लड, यानी कि खून। खून रक्त कह दो या ब्लड कह दो या रुधिर कह दो, एक ही बात है। सबसे पहले आता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें रुधिर का अध्ययन किया जाता है। तो रक्त का अध्ययन, रक्त का अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान की शाखा को कहते हैं हीमेटोलॉजी। विज्ञान की वह शाखा जिसमें रुधिर का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं हीमेटोलॉजी कहते हैं। फिर आता है कि रक्त कैसा पदार्थ है। तो रक्त तरल संयोजी, रक्त तरल संयोजी ऊतक है। ऊतक यानी कि जैसे हमने पढ़ा कोशिका, कोशिकाओं के मिलने से बनते हैं ऊतक, ऊतकों के मिलने से बनते हैं अंग, और अंग के मिलने से बनते हैं तंत्र। तो कोशिकाओं के समूह को हम कहते हैं ऊतक। तो रक्त है वो एक, रक्त का अध्ययन करना जो विश्व शाखा में करते हैं हीमेटोलॉजी कहते हैं। रक्त के तरल संयोजी ऊतक है। अब आता है कि रक्त कैसा अंग है। तो रक्त में जो कोशिकाएं होती है, तो रक्त एक कोशिकाओं का रक्त मेसोडर्मल अंग है। रक्त कैसा अंग है, तो रक्त एक मेसोडर्मल अंग है। फिर आता है कि हमारे शरीर में रक्त कितना होता है। तो मानव शरीर में रक्त कुल भार का 7% होना चाहिए, यानी कि जो हमारा मनुष्य शरीर होता है उसमें रक्त होता है वो कुल भार का 7% होना चाहिए। लेकिन यदि पुरुषों में पूछे कि पुरुषों में रक्त की मात्रा कितनी होती है, तो पुरुषों में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर, और इसी प्रकार स्त्रियों में रक्त की मात्रा होती है 4 से 5 लीटर। तो सामान्य जो वयस्क मनुष्य होता है या महिला होती है उसमें रक्त की जो मात्रा होती है मनुष्य में होती है, क्योंकि पुरुष में होती है 5 से 6 लीटर और महिला में होती है 4 से 5 लीटर रक्त आवश्यक है। इसके बाद में आता है कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो रक्त का निर्माण, यानी कि जो हमारे शरीर में खून बनता है वो कहाँ बनता है, तो हमारे शरीर में खून बनता है वो बनता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा, अब आता है कि अस्थि मज्जा कहाँ पाई जाती है। तो ये हड्डियों के खोखले भाग में होती है। हड्डियों के
खोखले बाग में। तो अस्थि मज्जा हमारे जो शरीर के हड्डियों के खोखले भाग में उपस्थित द्रव पदार्थ होता है उसे अस्थि मज्जा कहते हैं और इस अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब भ्रूणीय अवस्था होती है, भ्रूणीय अवस्था के अंदर रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूणीय अवस्था में रक्त का निर्माण वो होता है हमारे भ्रूणीय अवस्था में जो रक्त का निर्माण होता है वो होता है लीवर या यकृत में होता है। लीवर या यकृत एक ही बात है। तो रक्त का अध्ययन, रक्त कैसा पदार्थ है, रक्त तरल से युक्तक है, रक्त कैसा अंग है, रक्त मृदडर्मल अंग है, रक्त शरीर कितना होना चाहिए, 60% होना चाहिए, मनुष्य में कितना होता है और स्त्री में कितना होता है, फिर रक्त का निर्माण, वयस्क मनुष्य के लिए बात ये होती है, ये वयस्क की बात है। तो वयस्क मनुष्य में जब रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है, जबकि भ्रूणीय अवस्था में जो रक्त का निर्माण होता है लीवर या यकृत में होता है। इसके बाद में आता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4 और जो 7 फिक्स होता है, तो कोई भी चीज जिसका पीएच मान 7 होता है वो 10 होता है, 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से अधिक है तो सारी है। तो रक्त कैसा पदार्थ हो जाएगा? तो रक्त हो जाएगा हल्का सारी है। रक्त हल्का सारी है तथा रक्त है जो हल्का सारी है तथा एल्काइन पदार्थ है। हल्का सारी है तथा एल्काइन पदार्थ है। तो ये आ गया रक्त के बारे में कि रक्त का पीएच मान कितना, तो 7.4। रक्त की प्रकृति कैसी, तो हल्की सारी है और कौन सा समूह, तो एल्काइन समूह है। फिर आता है कि रक्त को मापने का जो यंत्र आता है उस यंत्र का नाम क्या है, तो जिसके द्वारा हम रक्त को मापा जाता है, रक्त का मापन, तो हमारे शरीर में रक्त का मापन करने का जो यंत्र आता है उसे हम कहते हैं, वो है हमारा हीमोसाइटोसिस। काफी बार प्रश्न पूछा जाता है कि रक्त मापने के यंत्र का नाम क्या है, रक्त के मापने का यंत्र होता है हीमोसाइटोसिस में रक्त को मापा जाता है। फिर आता है कि रक्त के अंदर लाल रंग होता है वो क्यों होता है, तो रक्त का रंग लाल होता है उसका कारण है रक्त का लाल रंग होना। तो रक्त का लाल रंग होने का कारण होता है उसका होता प्रमुख कारण है हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण रक्त का रंग होता है वो लाल होता है। इस प्रकार से हमने रक्त के बारे में कुछ सामान्य फैक्ट पढ़े और कुछ आगे फैक्ट पढ़ते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। जैसे आपने देखा होगा कि मनुष्य का रंग होता है, रक्त होता है लाल रंग का होता है, इसी प्रकार कॉकरोच का जो रक्त होता है वो सफेद रंग का होता है। तो कॉकरोच में रक्त का रंग वो होता है आपका सफेद। कॉकरोच में रक्त का रंग सफेद होता है क्यों होता है, तो होता है हीमोलिम्फाइट। किसके कारण होता है, तो हीमोलिम्फाइट के कारण। जो कॉकरोच होता है इसमें जो कॉकरोच का रंग होता है खून होता है वो सफेद रंग का होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोलिम्फाइट एक पद नाम का वर्णक पाया जाता है। इसी प्रकार जो ऑक्टोपस होते हैं उस ऑक्टोपस का जो रक्त होता है
रक्त का रंग होता है वो होता है हमारा नीला या ब्लू। और इस नीले रंग का कारण क्या है, तो इस नीले रंग का कारण है हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन के कारण इस ऑक्टोपस का रक्त होता है वो ब्लू रंग का होता है। ये काफी बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि कॉकरोच के रक्त का रंग कैसा होता है और क्यों होता है, या ऑक्टोपस जो जीवाणु होते हैं उनके रक्त का रंग कैसा होता है और क्यों होता है। इसके बाद में आता है कि जो हमारे मनुष्य के शरीर में 100 ml रक्त प्लस हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। तो मानव शरीर है, जो हमारे मनुष्य का शरीर है, मानव शरीर में 100 ml रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा वो होती है लगभग 14 से 17 ग्राम। यानी कि जो पुरुष होते हैं उसमें होती है 14 से 17 ग्राम और महिलाओं में 100 ml रक्त में HB होती है वो होती है 10 से 13 ग्राम। यानी हीमोग्लोबिन महिलाओं में होता है 10 से 13 ग्राम, जबकि पुरुष में होता है वो होता है 14 से 17 ग्राम। अब आता है कि रक्त में रक्त का संगठन क्या है, रक्त किसके मिलके बना है। तो रक्त के दो भाग पड़ेंगे हम, जो हमारा रक्त है ये दो प्रकार से इनके दो भागों में पड़ देंगे। पहला भाग आता है इसका तरल पदार्थ, तरल भाग। दूसरे आते हैं ठोस। तरल भाग है वो 55% है, ठोस भाग होता है वो होता है रक्त का 45-45% होता है। तरल भाग का नाम है प्लाज्मा, रक्त का तरल भाग होता है उसे कहते हैं हम प्लाज्मा। जबकि ठोस भाग होते हैं वो होती है हमारी RBC, WBC और तीसरा होता है बिंबाणु। तो इस प्रकार से रक्त का अध्ययन करेंगे वो हम प्लाज्मा क्या है, RBC क्या है, WBC क्या है, बिंबाणु क्या है, सब पढ़ेंगे तो हमारा रक्त का अध्ययन पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे रक्त का रंग लाल होता है क्यों होता है, ऑक्टोपस का रंग कॉकरोच का रंग सफेद क्यों होता है, ऑक्टोपस के रक्त का रंग नीला क्यों होता है, मानव शरीर में 100 ml में कितने ग्राम हीमोग्लोबिन होती है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिसको हमने पढ़े। अब हम आज हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में क्या होता है कि जो है ये तरल पदार्थ है, हल्के पीले रंग का होता है प्लाज्मा। इसका रंग होता है वो पीला होता है। और पीले रंग के दो वर्णक है जो हमारे शरीर में आते हैं, एक होता है बिल्लू, पीले रंग का है जो है बिल्लू रूबिना, और एक होता है वो होता है बिली वर्डिना हार्मोन। बिल्लू रूबिन होता है जो पीले रंग का होता है, जबकि बिली वर्डिन होता है वो हरे रंग का होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो हमारा रक्त का रंग है वो हरे रंग का है। तो हरे रंग का होता है हमारे शरीर में पीत रस, जो कि हरे रंग का होता है, और बिलिरुबिन हार्मोन होता है वो पीले रंग का होता है, और इसके बढ़ने से हमारे शरीर में पीलिया हो जाता है। हमारे शरीर में आपने देखा होगा कभी कभी आपका खून पीला पड़ जाता है, इसे पीलिया कहते हैं। तो पीलिया वर्णक होता है, तो पीलिया रुणक होता है बिलू रूबिन हार्मोन होता है जो रक्त के अंदर बिलू रूबिन बढ़ जाता है वर्णक। तो बिलू रूबिन वर्णक के बढ़ने से पीलिया नामक रोग होता है। तो पीलिए के अंदर कौन सा वर्णक होता है, तो पीलिया होता है वाक होता है बिलू रूबिन हार्मोन। यानी कि जो बिलू रूबिन हार्मोन होता है उस हार्मोन के कारण हमारे शरीर में वर्णक बढ़ने से रक्त पीला पड़ जाता है, जिसे हम पीलिया कहते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक, वो है हमारा प्लाज्मा। एक बार आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आता है कि प्लाज्मा क्या होता है। आज हम सिर्फ प्लाज्मा के अध्ययन कर पाएंगे, तो प्लाज्मा का पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लाज्मा का संगठन। तो प्लाज्मा के अंदर 90% होता है पानी,
प्लस साथ में होता है ग्लूकोज, या इसे हम कहते हैं खनिज पदार्थ, और प्लस साथ में होता है प्रोटीन। प्लाज्मा इन तीनों से मिलकर बना होता है, जिसमें ग्लूकोज होता है हमारा होता है 90%, सॉरी पानी 90% होता है, खनिज पदार्थ 1% होता है, प्रोटीन होते हैं 9%। काफी बार पूछा जाता है कि इनके अंदर पानी की मात्रा प्लाज्मा में कितनी होती है, 90% होती है। खनिज पदार्थ या ग्लूकोज कितने होते हैं, 1% होते हैं, प्रोटीन कितना होता है, 9% होता है। अब आता है कि रक्त के अंदर इस प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो 5 प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा में, 5 प्रोटीन पाए जाते हैं। पहला प्रोटीन है वो है थ्रोम्बिन, दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा है फाइब्रिन, चौथा है फाइब्रोनोजन, और पांचवा है ग्लोबिन। तो प्रोटीन के अंदर आपको प्लाज्मा में पूछ सकते हैं प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं जो रक्त में होते हैं, तो रक्त में थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है, फाइब्रिन होता है, और फाइब्रोनोजन होता है, ग्लोबिन होता है। थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रोनोजन और ग्लोबिन, ये 5 प्रोटीन होते हैं जो हमारे रक्त में पाए जाते हैं। अब आता है कि हमारे शरीर में जो रक्त होता है इसमें आपने देखा होगा पानी इतना है, तो पानी का काम क्या होता है, तो पानी का जो कार्य होता है होता है, पहला काम होता है पानी के पाचन क्रिया में नियंत्रण करता है, पाचन क्रिया को नियंत्रित करता है। दूसरा होता है ताप नियंत्रण करना, तो हमारा शरीर ताप ही नियंत्रित करता है। तीसरा आता है कोशिका में ऊतकों की वृद्धि करना, तो ऊतकों की वृद्धि में पानी सहायक होता है। फिर आता है हमारे शरीर में उत्सर्जन क्रिया को सुचारू रूप से या नियंत्रण करना, तो उत्सर्जन का नियंत्रण भी पानी करता है, और परिसंचरण को भी नियंत्रित पानी करता है। तो इन सब में काम आता है, वो हमारा काम आता है पानी। तो पानी पाचन क्रिया का भी नियंत्रण करता है, पानी ताप का भी नियंत्रण करता है, पानी उत्कों की वृद्धि को नियंत्रित करता है, पानी उत्सर्जन को नियंत्रण करता है, और पानी परिसंचरण तंत्र को भी नियंत्रित करता है। और जो हमारे प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा में जो प्रोटीन होते हैं, ये सारे के सारे प्रोटीनों का काम क्या है, तो ये प्रोटीन होते हैं वो रुधिर का थक्का जलाने में सहायक होते हैं। रुधिर का थक्का, तो रुधिर का जो थक्का जमाने में काम आते हैं वो आते हैं प्रोटीन काम आते हैं। और इसके साथ साथ प्रोटीनों के साथ में जब विटामिन के और कैल्शियम मिल जाता है, विटामिन के और कैल्शियम मिल जाता है, रुधिर का थक्का जल्दी बन जाता है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब क्या आता है कि जो हमारे शरीर में रुधिर का थक्का जमता है वो कैसे जमता है, तो रुधिर के थक्के में क्या होता है कि विटामिन के प्लस कैल्शियम खनिज पदार्थ और प्रोटीन, जो 5 प्रोटीन होते हैं, वो मिलकर के क्रिया करते हैं, और एक रुधिर का थक्का 4 या 5 मिनट में बन जाता है। तो रुधिर के थक्के में जो मुख्य प्रोटीन होता है, वो कौन सा होता है, काफी बार पूछा जाता है कि कौन सा प्रोटीन मुख्य प्रोटीन है जो रुधिर थक्के में काम आता है, तो मुख्य प्रोटीन आता है वो होता है फाइब्रोनोजन, फाइब्रोनोजन प्रोटीन, इनकी फाइब्रोनोजन प्रोटीन है जो रुधिर को थक्का देने में बहुत ही सहायक होता है। और जब इस फाइब्रोनोजन को प्रोटीन को निकाल देते हैं, तो प्लाज्मा में से जब हम प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन
जब हम प्लाज्मा में से फाइब्रोनोजन प्रोटीन को निकाल देते हैं तो शेष भाग सीरम कहलाता है। यानी कि जो हमारा प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा में से यदि हम इस फाइब्रोनोजन प्रोटीन को निकाल दें तो शेष भाग को हम कहेंगे हम सीरम कहते हैं। फिर आता है कि जो प्लाज्मा है इस प्लाज्मा का क्या काम है, तो प्लाज्मा का प्रमुख कार्य होते हैं प्लाज्मा का पहला काम होता है रुधिर थक्का जमाना, रुधिर का थक्का बनाना। दूसरा इसका काम होता है कोशिकाओं तक ग्लूकोज पहुंचाना। और तीसरा काम होता है रक्त के पीएच का नियंत्रण करना। तो यह था हमारा टॉपिक जो था प्लाज्मा जो हमने पढ़ा। कल हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ेंगे और हमारे जो प्रसंस्करण तंत्र का टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक रहेगा, जिसमें रक्त के बारे में पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स यानी कि विमाणु, इन तीनों को एक साथ अध्ययन करेंगे ताकि तीनों में अंतर समझ में आ जाए। इसलिए आज इस छोटे से टॉपिक को यही खत्म करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।